ए दे रखी है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमसे कहा है कि ए स्क्वेयर का ट्रांसपोज के इंटू ए स्क्वेयर के इक्वल है, के की वैल्यू निकालिए। ए स्क्यू सिमेट्रिक है दैट मीन्स ए ट्रांसपोज हो गया माइनस ए। इस केस में आप एक रिजल्ट ध्यान रख सकते हो बेटा, जब भी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ए की इवन पावर हमेशा सिमेट्रिक होगी, हमेशा सिमेट्रिक होगी, और ए की ऑड पावर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये रिजल्ट ध्यान रहेगा तो आप सीधा बता सकते हो कि के यहाँ पर वन है, के यहाँ पर वन है क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है बेटा, तो ये हमारी सिमेट्रिक होगी। दैट मीन्स ए स्क्वेयर ट्रांसपोज ए स्क्वेयर के इक्वल ही होगा, दैट मीन्स के वन होगा। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ए स्क्वेयर ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए इंटू ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स माइनस ए इंटू माइनस ए, दैट मीन्स ए स्क्वेयर। तो आपके पास के क्या आ गया, वन। दोनों केसेस में के आपके पास वन आ जाता है।